इंदौर शहर में अपराधी किस कदर बेखौफ है इसका जीवंत उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला। यहां बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शहर में तनाव का माहौल है और भीड़ ने कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर दी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अगवा रैली से पहले बीजेपी नेता की हत्या, बीजेपी नेता के सिर में पिस्टल से मारी गोली, भीड़ ने फूंका आरोपियों का घर। रविवार सुबह शहर में भगवा रैली का आयोजन होना था, जिसकी तैयारी में बीजेपी नेता मोनू कल्याणे अपने दोस्तों के साथ जेल रोड स्थित गणेश मंडपम सभागृह के सामने चौक पर बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार दो युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकाली और मोनू के सिर पर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस पूरी वारदात को अर्जुन पथरोड़ और पीयूष पथरोड़ ने अंजाम दिया है। मोनू को गोली लगने के बाद उनके दोस्त उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मोनू को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी ये मिली कि दोनों पास पास में रहते थे, आरोपी फरियादी मृतक पास पास के रहने वाले हैं और करीब करीब एक ही समाज को बिलोंग करते हैं, लेकिन रंजिश क्या थी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। वो भैया साइड में खड़े थे तो उनके पास में रुके वो, और उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिए थी, फिर वो भैया फ़ोन में लगे, इतने में बंदूक निकाली और चला दी। दो फायर करिए थे और एक हमारे पे करा, एक का नाम पीयूष पथोड़ था और एक का नाम अर्जुन पथोड़। इस पूरी वारदात में ये जानकारी सामने आई है कि कुछ महीने पहले मोनू ने ही अर्जुन को थाने से छुड़वाया था। वहीं कुछ दिनों पहले अर्जुन और मोनू के बीच कहासुनी भी हुई थी। पुलिस के मुताबिक जिन बदमाशों पर मोनू कल्याणे की हत्या के आरोप लग रहे हैं वे उन्हीं के कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस बीच मृतक के गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर को आग लगा दी। फिलहाल जो परिजन हैं वो गुस्साए हैं और उन्होंने, आप देखेंगे कि जो ये उसका घर है, आरोपी पक्ष का घर है, उसके पूरे घर को जला दिया गया है। नीचे की ओर अगर आप यहाँ देखेंगे तो उस आरोपी के घर के बाहर जो खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, पूरी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर जला दी हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में परिजन हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पूरे मामले में एक सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है पुलिस प्रशासन को दिए हैं। मोनू कल्याणे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी थे। मोनू हर वर्ष अपने इलाके में भव्य कार्यक्रम करवाते थे, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी शामिल होते थे। इस घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भगवा यात्रा निकालता हर साल, कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था, वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा होगी। मोनू को गोली लगने की खबर लगते ही उनके परिजन और समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, आरोपियों के घर में आग लगा दी, घर के सामने रखी बाइक जला दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। फिलहाल इस मामले में दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग टीम बनाई गई। रवि सिसोदिया, IBC 24, इंदौर।